ईच एंड एवरी स्टूडेंट जो 12th का एग्ज़ाम देंगे प्रैक्टिकल का बायोलॉजी का, उनको ये वाला एक्सपेरिमेंट करना होगा। आप चूँकि लैब से बाहर का है तो एक दो बार अगर आप किए रहेंगे तो एट द टाइम ऑफ एग्ज़ाम आप बहुत अच्छे से इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो आज हम लोग बच्चों क्या पढ़ने जा रहे हैं, प्लांट पॉपुलेशन डेंसिटी बाई क्वाड्रेट मैथड। क्वाड्रेट मैथड की हेल्प से हम डिफरेंट टाइप के जो प्लांट होते हैं, जैसे मैंने 4 स्पीसीज लिया, स्पीसीज ए बी सी एंड डी, आपके लोकेलिटी के में आसपास जहां पर जो भी स्पीसीज होती है, जैसे मोथा हो गया, उसके बाद घास हो गई, गाजर घास हो गई, वाइल्ड कैबेज हो गए, जो इन जनरल हर जगह पाए जाते हैं, ऐसे 4-5 जो प्लांट होते हैं उनकी पॉपुलेशन को हम कैसे मेज़र करेंगे। इसके लिए जो 12 स्टैंडर्ड पर प्रैक्टिकल रखा गया है वो है पॉपुलेशन डेंसिटी बाई क्वाड्रेट मेथड। तो आज हम इस एक्सपेरिमेंट को करने जा रहे हैं, अभी हम यहाँ पे करेंगे, फिर इसके बाद नया वीडियो जो अपलोड करूँगा तो उसमें हम मटेरियल जो है आपका स्पीसीज को लेकर के, इफ़ पॉसिबल लैब के बाहर का है तो लैब के बाहर में जाके करना पड़ेगा। तो माय डियर व्यूअर बहुत अच्छे से देखिएगा, इसका डाटा अगर आप समझ गए एक बार तो बहुत आसानी से आप एग्ज़ाम में इसको कर सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं, हमारा जो एक्सपेरिमेंट है ये माइनर एक्सपेरिमेंट में आएगा, याद रखिएगा 4 नंबर का ये क्वेश्चन होगा। जो भी सेट बनेगा उसमें क्वेश्चन नंबर जो 2 होगा वो माइनर एक्सपेरिमेंट है, और जो माइनर एक्सपेरिमेंट है आपके सिलेबस में केवल 2 है, पॉपुलेशन डेंसिटी एंड पॉपुलेशन फ्रीक्वेंसी, बोथ द एक्सपेरिमेंट बाय द क्वाड्रेट मेथड। अब क्वाड्रेट मेथड क्या होता है, इन जनरल क्या होता है, इस मेथड की हेल्प से हम किसी पर्टिकुलर एरिया में जो प्लांट पाए जाते हैं उनकी रिलेटिव पॉपुलेशन डेंसिटी को मेज़र करते हैं। जब एक से ज़्यादा प्लांट की रिलेटिव डेंसिटी मेजर करेंगे तो हमको पता चलेगा कौन सा प्लांट इस पर्टिकुलर एरिया में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, कौन सा प्लांट इस पर्टिकुलर एरिया में रेयर है। अब इसके लिए हमको करना क्या होता है, ये देखिएगा आपका ऑब्जर्वेशन टेबल है, इसको आपको फिल करना होगा, बस ये मेन है। इसमें क्या करते हैं, हम किसी भी पर्टिकुलर एरिया में, अगर ये सपोज दैट आपका एक गार्डन है जो आपके स्कूल में बनाया गया होगा, यहाँ पे जाकर के हम एटलीस्ट 5 क्वाड्रेट को बना लेते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं। अब इसके लिए हम या तो रेडीमेड बना बनाया क्वाड्रेट का यूज़ करते हैं, नहीं तो स्टिंग और नेल की हेल्प से एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, और इस तरह से क्वाड्रेट बना देते हैं। यानी हम एटलीस्ट कितने क्वाड्रेट बनाएंगे, 5 क्वाड्रेट, और वो 5 क्वाड्रेट का यहाँ पे आपका नंबर पड़ा हुआ है। अब जब क्वाड्रेट बना लेते हैं तो हर एक क्वाड्रेट में, सपोज दैट ये क्वाड्रेट नंबर 1st है, ये आपका 2nd है, ये 3rd है, ये 4th है और ये 5th है। अब एक जो क्वाड्रेट होता है, एक को हम ब्रॉड में थोड़ा सा इमेजिन करके बड़ा बनाते हैं, ये हमारा क्वाड्रेट नंबर 1st है। इस क्वाड्रेट नंबर 1st में सबसे पहले स्पीसीज ए को काउंट करते हैं, सपोज स्पीसीज ए जो है एक यहाँ पर है, एक यहाँ है, 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 यहाँ, तो जितनी भी स्पीसीज ए होती है उसको क्या करते हैं, काउंट कर लेते हैं। और काउंट करने के बाद जो इनका नंबर आता है, सपोज दैट इनका नंबर आ गया कितना, 10, इसको हम यहाँ पर फिल कर देते हैं। अब उसके बाद आता है ये स्पीसीज ए हो गया, इसके बाद नंबर आता है स्पीसीज बी का, स्पीसीज बी को काउंट करते हैं, देखते हैं स्पीसीज बी कितना है। ये स्पीसीज बी का सिंबल हम यूज कर ले रहे हैं, काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 और यहाँ पर इसको फिल कर देंगे। 2 स्पीसीज हमारी हो गई। उसके बाद तीसरी स्पीसीज को हम देखते हैं, तीसरी स्पीसीज जो है उसको हम काउंट करते हैं, ये सपोज दैट तीसरी स्पीसीज का सिंबल है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
इसको कहाँ पे फिल करेंगे, यहाँ पर करेंगे। अब इसके बाद आती है लास्ट स्पीसीज। लास्ट स्पीसीज जो होती है इसको हम डॉट से रिप्रेजेंट कर देते हैं, इस तरह से हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, यहाँ पे कितना हो गया 14। ये आपका एक क्वाड्रेंट, ये जो स्टडी हो गई फर्स्ट क्वाड्रेंट की हो गई। अब सेम एट द इन रेफरेंस टू द लेबोरेटरी और व्हेन यू डू द एक्सपेरिमेंट देन यू कैन सेलेक्ट एट लीस्ट 5 क्वाड्रेंट, तब आप 5 क्वाड्रेंट लेंगे कम से कम। लेकिन एट द टाइम ऑफ एग्जाम के समय आपको बस 3 क्वाड्रेंट लेना होगा। स्पीसीज का नंबर भी कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, तो 5 क्वाड्रेंट को लेंगे। ये जो होगी इसकी जो लेंथ होगी वो 1 मीटर की होगी, याद रखिएगा। वैसे क्वाड्रेंट बनाने का तरीका जो है, आप इसमें मल्टीपल क्वाड्रेंट बना सकते हैं। अगर इसको हमने एक स्ट्रिंग यहाँ से लेकर के एक ऐसे लगा दिया, एक ऐसे लगा दिया, तो अब कितना हो गया आपका 4 क्वाड्रेंट हो गया। इसी वे में आप 4 भी बना करके काउंट आपको करना है, 4 बना लिए, 4ों का काउंट करके जो कंपोजिट आएगा वो आप यहाँ पे भरेंगे। ये सबसे सिंपल जो आपका ऑब्जर्वेशन टेबल है ये आपका होगा। इसके अलावा बनाना चाहेंगे तो मोर कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, इसको फर्दर और डिवाइड कर दीजिए और इस तरह से इसका जो नंबर होगा वो जैसे जैसे क्वाड्रेंट बढ़ेगा आपका जो वर्क होगा वो बढ़ता चला जाएगा। तो हम 25 सेंटीमीटर का ना बना करके सीधे सीधे 1 मीटर का ले लेते हैं, क्योंकि हमको जो पॉपुलेशन डेंसिटी है पर मीटर स्क्वायर में निकालना है। अगर हम इसको करेंगे तो उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तब जाके पॉपुलेशन डेंसिटी आएगी। तो ये आपका हो गया पहला। इसी तरह से हम क्वाड्रेंट नंबर 2 सेलेक्ट करेंगे, सेम यही प्रोसेस होगी। और क्वाड्रेंट नंबर 2 में सपोज दैट ये क्वाड्रेंट नंबर 2 है, इसमें स्पीसीज ए जो है इसका अमाउंट जो आ रहा है वो 12 है, ये आपका 10 आ गया, ये 6 हो गया और ये 10 हो गया। इसी तरह से फिर सेकेंड हो गया, ये भी सेपरेट हो गया। थर्ड क्वाड्रेंट लेते हैं, ये आपका हो गया थर्ड क्वाड्रेंट। यहाँ पर भी जो स्पीसीज है उसका जो नंबर होगा उसको भी काउंट करेंगे, यहाँ से जो हमें नंबर आएगा वो यहाँ पे भरेंगे। सपोज दैट इन थर्ड क्वाड्रेंट द नंबर ऑफ स्पीसीज ए इज वंस अगेन 10, यहाँ पे कितना हो गया 8, दिस इज द 10, दिस इज द 10 ऑल्सो, क्वाड्रेंट नंबर थर्ड हमने ले लिया। इसके बाद क्वाड्रेंट नंबर 4 में सेम प्रोसेस को ऑपरेट करेंगे, स्पीसीज के नंबर को भरेंगे, 8 हो गया, 9 हो गया, 12 हो गया एंड फाइनली ये हमारा 34 हो गया। ये 5वां क्वाड्रेंट हमको फिर यहाँ पे मान लिया ये क्वाड्रेंट नंबर 5 है। सेम इसी प्रोसेस को यहाँ पे ऑपरेट करेंगे, 10 हो गया, 6 हो गया, यहाँ पे आपका 10 हो गया, यहाँ पे आपका हो गया 8। और इस तरह से हमको अब चारों स्पीसीज का, अब ये स्पीसीज 1 जो है फर्स्ट को मान लीजिए ये आपका क्या हो गया ग्रास हो गई। स्पीसीज 1 कैन बी रिप्रेजेंट, ये जो हमने स्पीसीज लिया था फर्स्ट जो स्पीसीज ए है ये आपकी ग्रास हो गई। बी को हम मोथा कंसीडर कर लेते हैं, सी को वाइल्ड कैबेज और डी को हम वाइल्ड कैबेज हो गया और डी को हम कर देते हैं कांग्रेस ग्रास। और इस तरह से चार, और ये चारों आजकल मिल जाएंगे। अगला वीडियो अपलोड करेंगे तो हम ये आप चारों दिखा देंगे कैसा होता है, ताकि आप आइडेंटिफाई कर सकें। अब ये आपका हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं पहला हमारा डाटा फिल हो गया। अब क्या करना है, आपको पॉपुलेशन डेंसिटी को निकाल देना। जैसे ही डाटा पूरा होगा यहाँ देखिएगा क्या है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन ऑल क्वाड्रेंट, ये जो टोटल आता है सम को यहाँ पे कर देंगे, जोड़ देंगे, ये आपका हो गया 50 हो जाएगा।
ये हो गया 38 हो गया, फोर्टी टू हो गया, और ये आपका हो गया 54। कैलकुलेशन कर लीजिए इधर उधर हो सकता है। अब यहां पे आएगा टोटल नंबर ऑफ सेलेक्टेड क्वाड्रेंट, हमने कितना सेलेक्ट किया था, 5, 1, 2, 3, 4, 5, तो यहां पे ये नंबर आपका हो गया 5, 5, दिस इज आल्सो 5। अब क्या है पॉपुलेशन डेंसिटी, कैसे मेजर किया जाता है, पॉपुलेशन डेंसिटी डी इज इक्वल टू, यानी पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ स्पीसीज ए कितना हो जाएगा, ए इक्वल टू, और इसको कहेंगे डी इक्वल टू एन अपॉन यस, एन क्या हो जाएगा टोटल नंबर हो जाएगा, यानी 50 अपॉन कितना हो जाएगा 5 इक्वल टू 10, क्योंकि ये आपका जो इसकी यूनिट होगी किसमें आ रहा है, मीटर स्क्वायर, पर मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, ये आप कह सकते हैं क्या हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा प्लांट पर मीटर स्क्वायर, ये पॉपुलेशन डेंसिटी हो जाएगी। इसी तरह से पॉपुलेशन डेंसिटी हम बी की निकाल लेंगे, सेम हो जाएगा डी इक्वल टू एन अपॉन एस, यहाँ पे आपका हो जाएगा 38 अपॉन 5 7.6 प्लांट पर मीटर, और उसी तरह से हो जाएगा सी का हो जाएगा डी बराबर एन अपॉन यस इक्वल टू 42 अपॉन 5। वैसे ये आपका जो नंबर होगा ये आपके ऊपर, इसको इस तरह से एडजस्ट करेंगे कि पर ये पॉइंट में ना एग्जिट आ जाए, तो करेंगे 8.4 प्लांट पर मीटर स्क्वायर, एंड लास्ट में आ जाएगा प्लांट डी का हो जाएगा डी बराबर एन अपॉन यस इक्वल टू 54 अपॉन 5 10.8 प्लांट पर मीटर, और इस तरह से अब जो आपका रिजल्ट होगा मेन ये हो जाएगा, जो रिजल्ट आप करेंगे वो आपका जो रिजल्ट होगा वो किस पर होगा, आपका रिजल्ट जो होगा वो कलेक्टिव रिजल्ट होगा, कंपैरिजन के बेस पर होगा, तो द मैक्सिमम हो जाएगी, मैक्सिमम पॉपुलेशन डेंसिटी हो जाएगी इसकी, हो जाएगी आपकी 10 प्लांट स्पीसीज डी की हो जाएगी, और मिनिमम पॉपुलेशन डेंसिटी जो हो जाएगी वो सबसे कम जो है वो आपकी किसकी हो जाएगी, प्लांट बी, डी फार हो जाएगा यानी किस प्लांट की, कांग्रेस ग्रास की मैक्सिमम हो जाएगी, और मोथा जो होगा इसकी क्या हो जाएगी।